हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। हमने पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 18 तक किया था, ठीक है, और आज उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें आप देखिए एनसीईआरटी है एक्सरसाइज 3.3, तो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 21 तक है ना, एक पैटर्न के क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 21 तक है ना, सेम टाइप। एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें से दो प्रॉब्लम करेंगे तो बाकी आप करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, 18 साइन एक्स माइनस साइन एक्स वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। प्रूव करना है टेन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। ठीक है, अब हमने फॉर्मूले कराए थे आपको साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला कराया था, तो फॉर्मूला यूज करना है हमें। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या था, टू कॉस सी प्लस डी वाई टू। सी डी क्या, एक्स और वाई, यहां पर टू कॉस एक्स प्लस वाई पॉइंट टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई पॉइंट टू, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई यानी कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें। तो फॉर्मूला दोनों कॉस में टर्म आती है, वो टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। अब देखो इसे हम कैंसिल, क्या बचता है, साइन अपॉन कॉस। बड़ी सिंपल बात है, साइन अपॉन कॉस होता है टेन, तो टेन एक्स माइनस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, एक प्रॉब्लम और पढ़ते हैं इसके हम, वो प्रॉब्लम नंबर है 21, प्रॉब्लम नंबर 21। ये प्रॉब्लम क्या कहती है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या है, कॉस 4x प्लस कॉस 3x प्लस कॉस 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x इज इक्वल टू कॉट 3x। ये प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो दो फंक्शन में तो हम कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखो 4 प्लस 2 6, 6 का हाफ होता है 3, तो इन दोनों में अप्लाई करेंगे हम कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, तो क्या होगा, 2 कॉस 4x प्लस 2x डिवाइड बाय 2 इनटू कॉस 4x माइनस 2x डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस 3x साइन 2 साइन 4x प्लस 2x डिवाइड बाय 2 कॉस 4x माइनस 2x डिवाइड बाय 2 प्लस साइन 3x। ठीक है, अब देखो ये टर्म है कॉस 6 अपॉन 2 एंड कॉस 3x, तो इन दोनों में कॉमन लेंगे हम कॉस 3x, क्या बचेगा अंदर, 2 cos 4 माइनस 2 2 डिवाइड बाई 2 यानी cos x प्लस 1 साइन 3x 2 cos x प्लस 1। यहां भी एक टर्म बचेगी, देखो दिस प्लस 1 से कैंसिल, cos अपॉन साइन cot 3x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन नंबर 22, कॉट एक्स कॉट टू एक्स माइनस कॉट टू एक्स कॉट थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट थ्री एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू वन। अब इसमें देखना तो है एक्स है, टू एक्स है, थ्री एक्स है। अब एक्स टू एक्स थ्री एक्स तीनों में रिलेशन होता है, एक्स प्लस टू एक्स होता है थ्री एक्स, तो मैं लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड
इसकी जरूरत नहीं है वैसे हमें ना, डायरेक्ट शुरू करेंगे हम। cot 3x हम लिख सकते हैं cot 2x plus x, ठीक है, इसका सॉल्यूशन है। दिस इंप्लाइज cot 3x इज इक्वल टू, अब इसको ओपन करो cot a plus b के फॉर्मूले से, फॉर्मूला होता है cot a cot b minus 1 यानी cot 2x cot x minus 1, नीचे cot b plus cot a cot x plus cot 2x, इसको अपॉन वन करके ऐसे कर देते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, ठीक है। तो क्या मिलेगा इससे, cot x cot 3x प्लस cot 3x cot 2x इज इक्वल टू cot 2x cot x माइनस 1, ठीक है। अब 1 को हम इधर ले आएंगे, आई डोंट रन को ले जाएंगे इधर, ठीक है। दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू, देखो मिल गया फॉर्मूला, सॉल्यूशन है cot 2x cot x माइनस cot x cot 3x माइनस cot 3x cot 2x प्रूव्ड, ये प्रूव है इसका एक्चुअली। और थोड़ा सा अलग ढंग है इसको प्रूव करने का, ठीक है, मगर ये सबसे आसान तरीका है इसको प्रूव करने का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 23। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है 23, tan 4x is equal to 4 tan x 1 minus tan square x upon 1 minus 6 tan square x plus 10 power 4x। तो लेफ्ट साइड लेते हैं इसमें हम, tan 4x, अगर मैं 2x को इसमें थीटा सपोज कर लूं, tan 2 थीटा, where थीटा is equal to 2x, तो tan 2 थीटा फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं हम, 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 2x 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब इसमें है tan 2x की दोबारा वैल्यू ओपन करेंगे 2 इंटू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 माइनस 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई करके आंसर मिल जाएगा हमें, तो क्या मिलेगा ऊपर, 4 tan x 4 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, नीचे एलसीएम लेकर के ये टर्म यहां ऊपर आएगी 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर, ठीक है। अब इससे एक टर्म यहां कैंसिल होगी, यहां एक पावर बचेगी इसकी, ठीक है, ये पावर पड़ जाएगी, दैट इज 4 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, इसको ओपन कर लेंगे 1 प्लस 10 रेज्ड पावर 4 माइनस 2 tan स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर, तो बचेगा माइनस 6 tan स्क्वायर x, ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से प्रॉब्लम प्रूव होती है। उसके बाद ये लास्ट प्रॉब्लम है 25th प्रॉब्लम इसकी, cos 6x is equal to 32 cos की पावर 6x minus 48 cos की पावर 4x plus 18 cos square x minus 1।
तो हमें 6x को स्प्लिट करना है cos x की फॉर्म में, ठीक है, एंगल 6 टाइम्स है यहाँ पर, तो उस एंगल को 1 टाइम्स करना है, तो हमें x की फॉर्म में करना है एंगल, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड cos 6x है जैसे, है ना, इसको लिख लो cos 2 into 3x, ओके, और 3x सपोज कर लो थीटा, लेट, तो क्या बन गया ये cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास में, तो cos की फॉर्म में चाहिए, तो cos की फॉर्म में लिखेंगे फॉर्मूला 2 cos square theta minus 1। अब थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं इसके अंदर, तो 2 cos square 3x minus 1। अब cos 3x वैल्यू क्या होती है, cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos cube x minus 3 cos x, ये होता है फॉर्मूला, होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसको ए माइनस में होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे, बेहतरीन सी बात है, 2 खोलिए इसको, ए स्क्वायर यानी 16 कॉस की पावर 6x, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी 9 कॉस स्क्वायर x माइनस 2ab, 2 इंटू 4 इंटू 3 कितना हुआ 24, दिस इंटू दिस कॉस की पावर 4, ठीक है, माइनस 1, पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे गेट द आंसर, 2 से मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर मिल जाएगा, ये 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos raised to power 4x माइनस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। इस तरह से आज हमने ये एक्सरसाइज फिनिश कर दी है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, वो हम कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद मिस लेंगे इस एक्सरसाइज, ठीक है, इसको आप ध्यान से करें, थैंक यू।